इसमें यूनिट 4 हम लोग देखेंगे बसॉक 108 का, ठीक है। तो ये रेसिप्रोसिटी और गिफ्ट का है, तो पहले सबको बता देंगे, अपने साथ बुक लेके बैठ जाओ। और बुक में जो जो टॉपिक, हर टॉपिक है इसमें कवर्ड। सो जैसे जैसे हर टॉपिक बुक पे चलेगा वैसे इसमें भी चलेगा, सारा टॉपिक कवर्ड। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो और क्या एग्ज़ाम में लिखना है हाईलाइट करके वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी क्या होता है ना, गिव एंड टेक जो होता है ना हम लोग बोलते हैं उसको रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, कि किसी को दे देना और उससे ले लेना, ठीक है, उसी को इंग्लिश में रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। तो दिस इज़ अ म्यूचुअल प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ गुड्स अमंग पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सेटिंग वेयर ईदर बोथ पार्टीज, बोथ पार्टीज का मतलब क्या हुआ, गिवर और रिसीवर, ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंज और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि वही लेन देन का चीज़ है, और लेन देन में का चीज़ में इसमें क्या होता है मेन, कि जो इसमें क्या होता है, या तो लेन देन में दोनों साइड को बेनिफिट मिलेगा, जो दे रहा और जो ले रहा दोनों को बेनिफिट, या किसी एक को तो हो गई, कि जो रिसीव कर रहा उसको बेनिफिट हो गई। तो इसमें ये है। तो इसमें हम लोग जैसे जो शॉपकीपर का स्टोरी रहता, कि हम लोग उसको पैसा देते हैं वो हम लोग को सामान देता, तो ये हो गया एक म्यूचुअल प्रोसेस जिसमें दो जन इन्वॉल्व थे, एक गिवर एक टेकर, और एक्सचेंज हो गया। तो इसमें एक स्कॉलर रहता है, हम लोग को एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप को हाईलाइट करके लिखना है, तो टीचर को लगेगा कि हम लोग कुछ पढ़ वढ़ के आया है, ठीक है। तो जहाँ रेसिप्रोसिटी देखना का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ ये होममैन जो है, होममैन और वुडनर, ठीक है, गुडनर, ये दोनों को हाईलाइट करके आ जाना कि ये दोनों इसके बारे में कुछ बोल रहे। तो जो ये हुमैन और गुडनर है वो हाईलाइट करके लिखना, और उसके बाद ये लिख देना, तो ये सबके बारे में बोले। और जो वुडनर है वो 1960 में बोलता है कि जो कस्टमरी एक्सचेंज है, कस्टमरी एक्सचेंज है उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस रेसिप्रोसिटी, अभी हम लोग आगे देखेंगे, देखो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बैलेंस रेसिप्रोसिटी क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि जो जो कस्टमरी एक्सचेंज है वो बैलेंस रेसिप्रोसिटी होता है, जिसमें क्या होता है ना कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देता है और उसके बदले में उससे फिर गिफ्ट मांगने का भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो हमको वापस से गिफ्ट देगा, मतलब कस्टमरी एक्सचेंज की। जैसे इंडियन के वेडिंग में नहीं होता कि दूल्हे का साइड कुछ गिफ्ट दे रहा है तो दुल्हन के साइड भी कुछ गिफ्ट देगा, तो वही कि दोनों एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अभी हम लोग पहले देखेंगे नेचर ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या होता है। तो नेचर ऑफ रेसिप्रोसिटी तीन टाइप का होता है, यहाँ फ्लो बना दिए। इसमें पहला होता है एक लीगल, दूसरा रहता है रैशनल, तीसरा रहता है सोशल। तो पहले लीगल वाले में क्या है, लीगल वाले में है कि जो पार्टीज कम, लीगल क्या होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना देगा और कुछ नहीं होगा। देखो, द पार्टीज कम इन कॉन्ट्रैक्ट विथ टू एक्सचेंज एंड नेगोशिएट इन दी प्रोसेस। तो वही जो है, जो पार्टी है वो एक दूसरे के साथ उसमें आ जाता है। एक सेकेंड, इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में आ जाएगा फॉर एक्सचेंज एंड नेगोशिएशन इन दी प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, इसमें लॉ होगा, इसमें अगर वो टूट जाएगा तो हम लोग कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट कोर्ट जाके क्या होगा, जो तोड़ा है उसको पनिशमेंट हो जाएगा इफ़ फेल्ड, ठीक है। ये होगा लॉ, लॉ अगर इन्फोर्समेंट। अब क्या है रैशनल इन्फोर्समेंट, रैशनल इन्फोर्समेंट में क्या होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहेगा, दोनों का बेनिफिट होगा कुछ ना कुछ। देखो, द आइडिया ऑफ रीजन दैट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज, मतलब ये थोड़ा मतलबी टाइप का। इसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा काम में आएगा और बेनिफिट होगा दोनों पार्टी की, हो कि जैसे हम लोग ऊपर पड़े कि कभी किसी को बेनिफिट एक साइड को हो सकता है दोनों साइड को, तो इसमें दोनों साइड को बेनिफिट होगा। और ये जो मेनली होगा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं सोशल इन्फोर्समेंट। सोशल इन्फोर्समेंट जो अपने कल्चर वगैरह में होता है ना, वही सब है कि किसी को किसी कस्टम, जैसे शादी है तो शादी में किसी को कुछ देना ही पड़ेगा, या कोई पूजा का कुछ है तो उसमें दान में कुछ देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो कस्टमरी है। तो देखो, सोशल इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी में जो
वैल्यू सेट किया गया है, सोसाइटी का वैल्यू, सोसाइटी का कस्टम कैसा है उसका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये अगर इन्फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फोर्स नहीं होगा तो भाई सोशल टाई जो है ना, वो एक दूसरे के साथ रिश्ता, सोशल रिलेशनशिप, वही टूट जाएगा। जैसे इसमें आदमी लोग जेल चल जाते हैं, इस वाले में इसमें लोग का रिलेशन टूट जाएगा अपने आसपास, तुम देखते होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बुक में जो है फॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी का फॉर्म्स, पहला है जनरलाइजेशन रेसिप्रोसिटी, ठीक है। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें भाई सब कुछ अच्छा आदमी रहेगा, तुम रतन टाटा को सोच लो और जो होगा उनके बारे में दिमाग में आ रहा वो लिख दो। वो क्या है ना कि मोटिवेटेड बाई कंपैशन, कंपैशन मतलब किसी का मदद करने का इच्छा से, और क्या है टू गिव मदद करने का, और स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि दूसरा आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि सामने वाला उसको कुछ देगा, तो विदाउट एनी एंटिसिपेशन फ्रॉम एनी फॉर एनी एनी टाइप ऑफ रिटर्न, ठीक है। वही जो आदमी फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो ऐसे ही दे देते, जैसे रतन टाटा हो गए, बाकी लोग हो गए, तो दूसरे से एक्सपेक्ट ही ना करेंगे। फिर यहाँ एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, एग्जांपल पेरेंट्स और चिल्ड्रन का देखते हैं। देखिए जैसे पेरेंट्स वगैरह जो चिल्ड्रन से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते इन रिटर्न, तो वो एक एग्जाम्पल है। फिर हम लोग को यहाँ हाईलाइट करके क्या लिखना है, ये एक थिंकर है, ये EKEH, इक, इक जो है वो जो ऊपर हम लोग बोले वही इसी को फिर वो भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है कि एक और थिंकर है फॉलर एंड क्रिस टेकर, टेकिस, ठीक है, क्रिस टेकिस, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो एक तो उनका स्पेशल वर्ड है, इसको एग्जाम में हाईलाइट करके, ये दोनों को एग्जाम में हाईलाइट करके, ये दो वही लिख सकता है जो बुक पढ़ा है, ठीक है। तो या तो तुम मेरा नोट्स पढ़े या बुक पढ़े हो, ठीक है। तो ये हाईलाइट करो तो टीचर को लगेगा भाई नंबर देगा, वो आंसर शीट उतना थोड़ी देखेगा, टाइम थोड़ी होगी बस, ठीक है। तो ये है पे इट फॉरवर्ड रेसिप्रोसिटी, वो लोग इसको बोलते हैं पे इट फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है ना, एक चेन ऑफ हेल्प जैसा हो रहा है कि हम तुमको हेल्प के, तुम दूसरे को दे देना, दूसरा तीसरे को दे देगा, ऐसे अपना मनमर्जी से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला हो गया। अब है बैलेंस रेसिप्रोसिटी। बैलेंस रेसिप्रोसिटी में क्या होता है कि तुम समझ लो कि भाई दोनों तरफ का लोग बोलेगा नहीं मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जन का फ़ायदा होगा तो नहीं, जैसे सोशल नॉर्म्स होता है ना वैसे ही है कि देने ही पड़ेगा, हम तुमको दिए तो तुम भी मेरे को दो। तो रिलेशनशिप बिटवीन दी कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ओवर लॉन्ग टाइम थ्रू रेसिप्रोसिटी, ठीक है। इस ये तो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल होता है। और क्या हो सकता है कि जो कमोडिटीज़ हैं, जो कमोडिटीज़ हैं ना, ओकेजन है, ठीक है, कमोडिटीज़ और ओकेजन में रहता है बैलेंस। तुम भाई इंडिया का शादी का समझ लेना, ये देखो इंडियन शादी इशू समझ लेना, ये तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो सेरेमनीज और ओकेजन में होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड एंड सर्विसेज होगा, जो गुड होगा सोना चांदी कपड़ा वपड़ा बिस्तर विस्तर एसी फेसी सब समझ लो, ठीक है, ट्रांसफ़र वांसफ़र होगा। और टर्मिनेशन ऑफ ऑल रिलेशन अंटिल दी लेटर रिसीव दी गुड इक्वल टू नेचर, भाई लड़का वाला साइड जो दे रहा है वही लड़की वाला साइड भी उतना ही देना चाहिए, तभी होगा कुछ। तो इंडिया का जो यहाँ रतन टाटा से समझ लो, यहाँ इंडिया का जो मैरिज होगा उससे समझ लो कि सबको, और अगर तुम मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तो टर्मिनेट हो जाएगा सारा रिलेशन, कि बस रिश्ता टूट गया। नेक्स्ट है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी तुम समझ लो बदमाश लोग हैं, जो दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा करवाना चाहता है वही लोग है, ठीक है। तो इसमें एक थिंकर है मार्शल, मार्शल क्या होता है, उसका एक तो बुक है या टेक्स्ट है स्टोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टोन एज इकोनॉमिक्स, नाम से समझो कि स्टोन एज में जैसे लोग मारा मारी करके दूसरा का सामान लेके छीन छान के खा गया, तो वही है। इसमें क्या होता है ना, गेन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब गंदा चीज़ तुम समझ लो। और यहाँ क्या है एग्जाम्पल, क्या है गैम्बलिंग हो गया, चोरी हो गया, थेफ्ट, ठीक है, यही सब होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में अब हम लोग गिफ्ट में आ गए, बुक में भी देखते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में गिफ्ट आ गया। अब गिफ्ट तो हम लोग को मिलते ही रहता है, तो तुम समझ लो गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट भी अब समझ आए हम, फिर भी समझा देते क्या जाता। गिफ्ट क्या होगा, गिफ्ट इज कंसिडर एज अ सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज, वही है सोशल या इकोनॉमिक या कल्चर एक्सचेंज है,
इंट्रेंसिक टू ह्यूमन सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब, हर ग्लोब में हर जगह मिलता है, सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन सोशल सोशल रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि भाई गिफ्ट विफ्ट मिलता रहे टाइम पे, ठीक है, तभी कुछ बने रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और क्या है, गिफ्ट कैसा हो सकता है, गिफ्ट कैन बी मटेरियल हो सकता है या नॉन मटेरियल हो सकता है। मटेरियल के अंदर या तो वो मनी होगा, पैसा तो है ही, या एसी ले लो, या आईपैड ले लो, आईफोन ले लो। नॉन मटेरियल में क्या हो गया, लव हो गया, केयर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और गिफ्ट और क्या हो सकते हैं, गिफ्ट वॉलेंट्री हो सकते हैं कि भाई कोई मांगा नहीं, अपने मन से दे दिया। और गिफ्ट डिमांड हो सकता है कि नहीं नहीं मेरे को बर्थडे में आईफोन ही चाहिए, तो वही है, ठीक है। तो ये गिफ्ट का कहानी हो गया, एग्ज़ाम में आएगा यही लिख देना, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो और क्या हाईलाइट करके लिखेंगे, ये एडवर्ड जो है ये बोलते हैं कि जो उनके एक तो किताब है वो हाईलाइट करके लिख देंगे हम लोग, तो टीचर को लगेगा वही हम लोग पढ़ गया। तो क्या है, रेसिप्रोसिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी, ठीक है, ये हाईलाइट कर देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो है सेंसिटिविटी ऑफ गिविंग दी गिवर एक्सचेंज, ठीक है। इसी के अंदर है कि जो रिसीवर है वो अटैच करता है लिटिल वैल्यू देन दी एक्चुअल वन, सेंस मतलब जो गिफ्ट होता है ना उसमें थोड़ा सा वैल्यू भी रहता है, ऐसा नहीं कि गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे मान लो एक पेन है, ठीक है, वो पेन जो है वो विराट कोहली तुमको दिया है, वो 10 रुपये का पेन, लेकिन तुम्हारे लिए उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही है, रिसीवर अटैच ए लिटिल वैल्यू देन दी एक्चुअल वन। अब कोई कम भी वैल्यू अटैच कर सकता है, कोई ज़्यादा भी वैल्यू अटैच कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे है कि चिहिल जो है इन हिज बुक दी गिफ्ट इकनॉमी, ये हील चिहिल का एक बुक है जो गिफ्ट इकनॉमी है, उसमें ये बोला, वो बोले है कि जो गिफ्ट है ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, ठीक है। और क्या है कि जो एक और बुक है किसी दूसरे का, वहाँ पे नाम लिखा हुआ, ये GARNER गार्नर, ठीक है, गार्नर और WAGRA वागा, गार्नर वार्गा का क्या बोलना है कि इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ हाउस होल्ड एंड गिफ्ट गिविंग, एक बुक का नाम है, हाईलाइट कर देना, ठीक है। फिर अब है डायमेंशन ऑफ गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट का देने का क्या क्या डायमेंशन है, भाई 3 डायमेंशन होगा, एक सोशल होगा, एक पर्सनल होगा, एक इकोनॉमिक होगा, ठीक है। सोशल देख देता है, सोशल में क्या होगा कि भाई क्यों लोग एक दूसरे को देते होगा, या जॉय में, या खुशी में, या गम में, किसको देता होगा, अपना जो रिलेटिव है, सोशल मतलब सोशल रिलेटिव, और क्या सोशल इंस्टीट्यूशन में अपना देते रहेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, उसमें देते रहेगा, ठीक है। तो जॉय सौरव में हो गया, सोशल रिलेटिव को ही देगा, रिलेशन में देगा, ठीक है। सोशल रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, सोशल रिलेशन तुम्हारा अगर कोई खास फ्रेंड है तो पान वाला के साथ भी हो सकता है तुम्हारा सोशल रिलेशन, लेकिन अच्छा दोस्त होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा दें, पैसे से मतलब ही है। फिर नेक्स्ट है कि वैल्यू, फिर नेचर वैल्यू मीनिंग ऑफ दी गिफ्ट चेंजेस, इसमें क्या होता है ना, सोशल वैल्यू में डिपेंड करता है कि देने वाला कौन है, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और नेचर गिफ्ट का नेचर भी चेंज हो जाएगा, कौन दे रहा है वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। मान लो तुमसे कोई बड़ा बुजुर्ग दे रहा है तुमको, तो उसका वैल्यू अलग है, उसका वो कुछ और देगा, वो चाहे तुमको कपड़ा देगा, लेकिन चाहे तुम्हारा भाई बहन तुमको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसका वैल्यू तुम्हारे लिए अलग होगा, उसका नेचर भी अलग होगा, या तो वो तुमको खेलने का कोई सामान दे रहा, कोई लेटेस्ट कुछ दे रहा, कपड़ा तुमको नहीं देगा, बात समझो, मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। वही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मार्शल मास, ठीक है, ये बोले हुए अपने किताब में कि दो रीजन से दिया जाता है, एक है आइडल बॉन्ड मेंटेन रखने के लिए, एक ऑप्टिमल बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए।
नेक्स्ट है यहाँ पे पर्सनल डायमेंशन। पर्सनल डायमेंशन क्या होगा कि जो आप अपने आप को अपना आइडेंटिटी देने के लिए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह करवाने के लिए, तो इसमें क्या है कि इंडिकेट द एक्सपीरियंस ऑफ द गिवर एंड रिसीवर आइडेंटिटी। इसमें जो पर्सनल है ना उसमें आइडेंटिटी वर्ड मीन है कि इंडिकेट करता है कि सामने वाला का देने वाला या लेने वाला का आइडेंटिटी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। पर्सनल चीज़ है ना, तो पर्सनल चीज़ हमेशा स्ट्रैटेजिकली हम लोग देंगे कि किस किसको देना है किससे नहीं लेना है। तो स्ट्रैटेजी या तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं किससे गिफ्ट लेना, तो वो है। और क्या है, एक थिंकर सलमान, सलमान क्या बोलते हैं कि दो वजह से कोई गिफ्ट दे सकता है, या तो यूटिलिटेरियन और एक हेडोनिक, ठीक है। ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, एग्जाम में लिखाना बस, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन सेम बुक में लिखा हुआ है कि सेम एज सोशल डायमेंशन है, ठीक है। तो सेम एज सोशल डायमेंशन इसमें क्या है, और इसमें क्या है, इंडियन मैरिज स्टोरी। इंडियन मैरिज स्टोरी बता दिए कि सामने वाला अगर लड़का वाला कुछ दे रहा है तो लड़की वाला से भी सेम डिमांड करेगा, तो वही है। ये इस शादी के लिए नहीं है, हर जगह शॉप में भी ले लो, शॉपकीपर जो है तुम्हारा, शॉपकीपर को तुम पैसा दे रहे हो 100 रुपये, वो तुमको 100 रुपये का साबुन दे रहा है, ठीक है। तो साबुन दिया तुम उसको 100 रुपये दिए, खानी ख़त्म, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तुम उसको 100 रुपये नहीं दिए, तो क्या होगा, रिलेशनशिप टूट जाएगा। लड़का लड़की अगर एक दूसरे ने दिए तो शादी टूट जाएगा, समझो, रिलेशनशिप टूट सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, इसमें अप्रोचेस का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला अप्रोच है एंथ्रोपोनिकल अप्रोच, सेकंड एंथ्रोपोनोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोनोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या है, जो मेनोनोस्की है और जो इसका मार्शल, ये जो मासेज हैं, देखो सेम मार्शल मास, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो दोनों ये बात बोलते हैं जो गिफ्ट देने का फेनोमेना है वो प्रिमिटिव सोसाइटी से चलता आ रहा है। तो ये प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब जो पहले का सभ्यता आदिवासी समाज से चलता आ रहा है, ठीक है। और उस समाज में क्या होता था, ये इतना ही बोले, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी में भी जो सेरेमनीज के टाइम में था, उस टाइम जो था गिफ्ट दिया जाता था, गिफ्ट। और गिफ्ट देने में क्या होता था, कौन कितना बड़ा गिफ्ट दे रहा है उससे सामने वाले का स्टेटस पता चलता था कि अच्छा उसका इतना स्टेटस है। तो सेरेमनीज में गिफ्ट दिया जाता था और जो गिफ्ट है वो स्टेटस दिखाता था, शो द स्टेटस ऑफ द पर्सन, ठीक है। लेकिन उन दोनों में और मॉडर्न में एक डिफरेंस है। मॉडर्न में क्या है, रेसिप्रोसिटी है। रेसिप्रोसिटी है मतलब हम तुमको दिए तो हम तुमसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिमिटिव वाले में नो रेसिप्रो, मतलब हम तुमको दिए तो हम तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बदले में, ठीक है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल। सोशोलॉजिकल में वही मेनोनोस की जो है वो एक काइंड, इसमें बोलते हैं कि एक काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है गिफ्ट देना। और क्या होता है कि जो गिफ्ट होता है वो एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है एंड सिम्बॉलिक मीनिंग अटैच करके अपने साथ चलता है। मतलब हम तुमको गिफ्ट दिए तो हम तुमको कुछ कम्युनिकेट करना चाहे कि ये लो, या अपना लव कम्युनिकेट करना पाए, या अपना ग्रेटिट्यूड कर, या अपना रिस्पेक्ट कम्युनिकेट करना पाए। और सिम्बॉलिक वही है कि लव ग्रेटिट्यूड रिस्पेक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहे सबके बीच में, उसका बात किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट जो है ये होता है इकोनॉमिक अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ही होता है सब इंटरेस्ट का बात करता है, ठीक है। तो जो है इफेक्टिवनेस एंड दी नॉन इफेक्टिव, मतलब ये इफेक्टिव रहे नॉन इफेक्टिव रहे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सब मतलब ही है, ठीक है। इफेक्टिव देना, इफेक्टिव रहा नहीं रहा, बस दे दिए कहानी ख़त्म, ठीक है। और क्या, एवरी इंडिविजुअल आज सेल्फ इंटरेस्ट, सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। नो सोशल रिलेशनशिप इज फाउंड, बोले तो सब अपना इंटरेस्ट का काम करेगा तो रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होगा, तो कोई
सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता और इंस्टेंट रिटर्न मिल जाता है। जैसे शॉपकीपर जो होता है उसको हम लोग 100 रुपये दिए, वो 100 रुपये का पेप्सी मेरे को दिया, फिर वो पेप्सी दिया, हम उसको 100 रुपये दिए, कहानी ख़त्म। ये हो गया इकोनॉमिक अप्रोच का। तो ये हो गया चैप्टर यूनिट 4 ख़त्म। तो ऑल द बेस्ट।